फ्रेंड्स, मुन्नासर एडुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स का सेकंड वीडियो बना रहे हैं। जहाँ तक हम लोग यहाँ तक हो चुका था, हम लोग यहाँ से चालू करें 2:1। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। साइन 75 कॉस 75 है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना ऊपर में। साइन साइन है तो क्या होता है, 2 sin cos होता है। C+D/2 C-D/2 पुटिंग कर दी, उस तरह साइन माइनस है 2 cos sin होता है। बैठा दिए तो ये डिवाइड होकर 45 आके ये आ गया। इसका वैल्यू पुटिंग कर दिए, सबका वैल्यू पता है, बैठा दिए तो आगे ये सॉल्व हो गया। ओके, इस तरह ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी उसी तरह कॉस 75 लिख दिए। अब कॉस कॉस है, कॉस कॉस को उनको पता है 2 sin sin होता है। ठीक है, नेगेटिव का 2 sin होने से पहले ये B-C होता है, उसके बाद B+C होता है। पुटिंग कर दिए, साइन साइन तो पता है, साइन कॉस होता है, पुटिंग कर दिए। अब वैल्यू यहाँ पे साइन 60 इसका साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 दोनों सेम आ गया, कट गया। इधर में क्या, साइन 15 कॉस 15, साइन कॉस क्या 10 15 होता है। 10 15 को लिख दिया 10 45 -30, 10A-B का फॉर्मूला डाल दिया, 10A-1 + 10A का फॉर्मूला पुटिंग कर दिया, तो ये वाला आ गया। को पता भी है 10 15 का वैल्यू कितना होता है, वो तुम डायरेक्ट भी तुम अपना सॉल्व करके निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख भी सकते हो। सर्च कर देना यहाँ पे आके, सर्च करने के बाद 2-3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कॉस 20 साइन 20 वाला, साइन 25 है। थर्ड क्वेश्चन कॉस 20 कॉस 20 है, कोसाइन 20 को हम चेंज कर दिए, साइन 90-70 लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या है, कॉस 70 हो गया, और देखो ऊपर में कॉस कॉस हो गया, कॉस कॉस होने के कारण 2 sin sin हो गया, इस नीचे कॉस प्लस कॉस है तो कॉस कॉस हो गया। बैठा दिया, कट के साइन 45 इसका वैल्यू दोनों बैठा दिया गया, ये 10 45 हो गया। साइन 25 कॉस 90-cos नेगेटिव में, कॉस नेगेटिव खा जाता है, यानी कॉस 25 ही हुआ। साइन 25 कौन 25 हो गया, 10 45 1 हो गया, हो गया तो ठीक है। 10 25 कॉस नेगेटिव खाने के कारण यहाँ कॉस 25 हो गया, 10 45 1 है, 10 25 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। कॉस 10 10 वाला है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। कॉस 10 कॉस 10 प्लस साइन 10 लिखे, साइन 10 फिर उसी तरह चेंज किया, आगे तरह क्वेश्चन से 90-80 कर दिए तो 80 आ गया। अब कॉस नेगेटिव है, 2 sin sin होता है। अब तो अपना जानता ही है कैसे निकलता है, 2 sin दोनों को जोड़ के by 2 होता है। अब राइट लिख दिए, लिख दिया गया, इसको तो कॉस 45 लिख दिया था, आ गया 10 45। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 sin कॉस है, कॉस कॉस है, कॉस का 2 sin sin होता है, लिख दिए। साइन का पॉजिटिव है, 2 sin cos होता है, बस बैठा दिए। बस बेटा सब काटते गए, काटने के बाद साइन साइन बाय कॉस आया, कॉस नेगेटिव में आ रहा है, कॉस नेगेटिव तो खट जाता है, यानी कॉस पॉजिटिव में आ गया, साइन कॉस 10 का हो जाए। ओके, फिर 3 नंबर क्वेश्चन, एक्स कॉस कॉस बीटा दिया हुआ तो एक्स वाई 10 मीटर प्रूव करना है। ओके, इसको इस तरह एक्सो जो दिया उसमें लिख दिया। लिखने के बाद क्या करना है, इस कॉस अल्फा था, इस कॉस बीटा को इधर लाए, इसको ये वाई को रखे, वाई को इस साइड लाए, एक्स कॉमन ले, वाई कॉमन ले लिया। अब कॉस का नेगेटिव है, 2 sin sin लिख दिए, साइन का नेगेटिव में 2 cos sin लिखे। अब यहाँ दोनों तो सेम था, कट गया, कटने के बाद ये बचा ये वाला इधर एक्स, इसको ये कॉस का नीचे उतारे, वाई बाई एक्स नेगेटिव कितना होगा, साइन बाई कॉस है, मतलब क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब 10 को इस साइड लाए तो वाई इक्वल लिख दिए, एक्स इंटू कर दिए तो आ गया वाला। ठीक है, इसलिए अब चार ये शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट का क्या है, प्रूफ करते हैं। साइन अल्फा प्लस इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। अब इसको क्या क्या, साइन साइन का साइन फॉर्मूला डाल दे रहे, 2 sin cos C+D/2 C-D/2 बताया तुमको, बैठाने के बाद ये आ गया इतना। अभी जो 3 फैक्टर ये कर अलग अलग कर दे, 80 अल्फा, ये तो खट कॉस 60 आ गया। ऐसे 180 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 90+α, लिखने के बाद 290 जो नॉट चेंज होता है लिख दिए। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव लिख दिए, कॉस 61/2 लिख दिया, कट गया, α = 0 आ गया। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन, sin x cos x का प्रूफ करना। साइनस कॉसेस के 1/2 करके, इसमें 2 नहीं था तो 1/2 का 2 अंदर घुसा दिए। अब इसमें भी साइन कॉस आ गया था, इसमें फॉर्मूला बैठा दिया, इसमें भी आ गया, इसमें भी फॉर्मूला बैठा दिए, और दोनों कट गया। कटने के बाद तो जो बचा लिख दिए, उस तरह आर एच एस में भी ले दिए, हेटर्स कॉस है तो 1/2 का 2 अंदर घुसा दिए, इस तरह कर दिए, तो ये वाला भी क्या आ गया, उसी तरह इसके बराबर में आ गया। ठीक है, ये सेम हो गया, 7x/2 और साइन 9x/2 है, यहाँ पे साइन 9x/2 और ये वाला भी उसी तरह है। ठीक है, यानी यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, तो ये 1/2 2 लेकर 2 × अंदर घुसा दिए, तो फिर इसका फॉर्मूला डाल दिए। अब ये जो आगे का तरह क्वेश्चन का सेम का तरह हो गया। ओके, चलते 3 नंबर क्वेश्चन, 6π/4+ इस तरह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो करना क्या है, सेक्स सेक था तो यहाँ पे पहले क्या, जैसे 45 45 लिख दिए, नहीं लिखने भी चलेगा, ऐसे सुविधा होता है। अब सेक को लिख दिया 1/cos लिख दिए। अब नीचे 2 नहीं था तो 2 ऊपर नीचे इंटू करते, 2 cos cos आ गया, कॉस कॉस आते ही फॉर्मूला पुटिंग कर सकते हैं। उसके बाद कॉस का जो है फॉर्मूला पुटिंग कर दिए, cos C+D cos C+D/2। अब लिखने के बाद कट के cos 90 इतना आ गया, cos 90 0 होता है, cos 2 रख दिए,
टू बाई कॉस मतलब टू से एक छोटी टाइप हो गया प्रूफ। क्या चलते चार नंबर क्वेश्चन, वन बाई इतना करके का वैल्यू जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन, कॉस अल्फा प्लस कॉस कोसाइन साइन अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा था, इसको पहले करना क्या है, पहले हम चेंज करें साइन पाई बाई टू प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखे, क्वेश्चन था लिखने को, इसको कॉस को लिख सकते साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, जैसे था वैसे ही है। अब ये हो गया एक ठो, ये एक ठो हो गया, तो टू साइन साइन हो गया, टू साइन साइन का फॉर्मूला पुटिंग कर दिए। अब ये कटने के बाद पाई बाई फोर टू बाई अल्फा बटा ये बल पाई बाई फोर इतना आ गया, यानी यही बात तुमको प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पाँच नंबर था, पाँच नंबर में क्या था, वन प्लस कॉस था, कॉस कॉस था, कॉस कॉस का टू कॉस कॉस फॉर्मूला ले, टू साइन साइन डाल दिए, डालने के बाद उसी तरह कट गया, कटने के बाद जो बच्चा कॉस 30 का फॉर्मूला पुटिंग कर दिए, टू फोर्टी था, टू फोर्टी एक सौ प्लस सिक्सटी लिख दिया, पता है साइन साइन सिक्सटी होता नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव का तो पुटिंग कर दिया, माइनस वन वन जीरो हो गया, ओके। चलते टू पे, टू का वन टू थ्री फोर, देखो इस तरह कैसे क्वेश्चन हो, इस तरह को सॉल्व करते हैं। टू का वन किया साइन सिक्सटी था, साइन टेन साइन साइन है, तो साइन साइन को क्या साइन सत्तर को अलग कर दिए, और इसको क्या कर दिया हम जस्ट टू साइन कॉस में तोड़ दिए, ठीक है। जैसे ही साइन कॉस में साइन साइन को लेकर तोड़े तो ये वाला कट के थर्टी एट ना आ गया, थर्टी वाले पुटिंग कर दिए तो ये सिर्फ बचा कॉस ट्वेंटी, साइन सत्तर को चेंज कर दिया, साइन नब्बे माइनस बीस कर दिए तो कॉस कॉस हो गया जीरो हो गया, ओके, ठीक है। अच्छा तो दो नंबर टू कॉस एट्टी फोर टू सिक्सटी था, इस तरह इसमें भी क्या कॉस कॉस का फॉर्मूला डाल दिया, टू साइन साइन कर दिए, साइन साइन करने के बाद ये जैसे तो ऐसे रख दिए, अब इसको चेंज कर साइन ट्वेंटी ट्वेंटी साइन थर्टी फोर तब सेम वैल्यू बैठा दिए, कट के माइनस थी जैसे था सेम सिमिलर सौ सत्तर को चेंज कर दिए, सेम आ गया तरह क्वेश्चन था, साइन ट्वेंटी कट गया जीरो, ओके। नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन, कॉस सिक्सटी प्लस सिक्सटी माइनस से माइनस कॉस, इसे कॉस कॉस का फॉर्मूला डाल दिए, ये वाला जैसे था वाला रख दिए, इसको डालने के बाद जैसे था कॉस प्रोपोटिंग करा रख दिए, इसका फिर काट कुट के वाला फिर कॉस थर्टी के फल बैठा कट गया ला गया कॉस सेम मिलर क्वेश्चन सब है। उससे इसको भी क्या टू साइन साइन था, साइन साइन का टू कॉस साइन दे दिया, साइन टीटा जैसे था अलग से रख दिए, इसका पुटिंग करते वाला आ गया कॉस ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी जानता है कि माइनस वन बाई टू होता है, पुटिंग कर देना या डायरेक्ट एक सौ अस्सी में साठ तोड़ के भी लिख देना, साइन साइन थीटा आ गया या टू टू कट गया माइनस साइन थीटा, इधर में क्या प्लस साइन थीटा, वो पता है कॉस एक्स भी तो बोले थे बहुत जगह लगता है तो माइनस वन बाई टू याद रखना बोल के, ठीक है, नहीं तो कट गया, ओके। अब चलते हैं थ्री का वन पे, थ्री का साइन उन्नीस इकतालीस इतना था, तो उस तरह साइन साइन था, साइन 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 कॉस का पुटिंग कर दिए ऐसे, तो इसको ऐसे ही रख दिए, फिर इसको बैठा दिए तो ये साइन थर्टी वन बाई टू हो गया, फिर उस तरह आ गया ये दोनों आया, अब इसको इसको चेंज कर तो ये वाला कॉस आने का कॉस होता, अभी डायरेक्ट नहीं आ रहा, इसको आर एच एस लेके हमको बनाना पड़ेगा, आर एच एस में लेके गए तो आर एच एस में क्या होगा साइन तेईस, तो उसी तरह इसको भी पुटिंग कर दी सेम उस तरह साइन थर्टी वन बाई टू कट गया, चेंज कर तो अपने आप प्रूव करके मिल गया, ओके। अब दो नंबर देखते हैं, साइन टेन कॉस सेम था, इसका साइन साइन था, इन दोनों को लेके पहले इसको कर दिए, उसके बाद इन दोनों को लेके इधर कर दिए, ठीक है। पहले हम क्या किए टू से इनटू कर दिए, साइन साइन था इसको कर दिए, इसे लिख दिए इसको ऐसे लिख दिए, अब ये इस तरह का आया। अब आने के बाद तुम्हारे यहाँ पे कॉस पाँच जो है कॉमन ले लिए तो ये वाला बच गया, साइन फोर्टी का वैल्यू पुटिंग कर दो वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, ठीक है, वन बाई टू तो साइन फोर्टी का नहीं लिख, नहीं लिख के ऐसे ही रख देना है, तुम तो क्या हो गया फिर से अंदर में फिर से फॉर्मूला लग गया टू साइन 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 कॉस लग गया, अब ये चेंज हो गया साइन थर्टी कॉस पंद्रह का, इसका वैल्यू तो पता है लिख दें, कॉस पंद्रह अभी पता नहीं है लेकिन हम लोग बाद में जाकर पता भी कर लेंगे, अभी इसका कोई जरूरत भी नहीं, कॉस पंद्रह ऐसे ही रख दिया, कॉस पाँच कॉस पंद्रह क्या होगा टू कॉस पाँच पंद्रह, डायरेक्ट नहीं प्रूव हो रहा है, इसको फिर क्या करते आर एच एस लेके चले गए, इसको भी उस तरह लिखे साइन कॉस में चेंज कर दिया तो अपने आप इसका वैल्यू मिल, ओके। तीन नंबर क्वेश्चन चलता है, कॉस पाई कॉस पाई कॉस पाई इस तरह करके है, पहले इन दोनों को लेकर ठीक है चेंज किए, इन दोनों को लेकर फिर यहाँ जैसे था वैसे ही रख दिए, अब इसको फॉर्मूला पुटिंग करते वाला इस तरह का आया, ये वाला जो था कॉस नाइन पाई बाई जो तेरह था, इसको हम लिखे पाई माइनस फोर पाई बाई तेरह, और बारह पाई को लिखे पाई माइनस पाई बाई तेरह, क्योंकि ये फोर पाई बाई तेरह इधर था ये पाई बाई तेरह, इसको हम सेटिंग कर दी इसके अंदर तोड़ के, करने के कारण अब आया क्या ये टू कॉस फोर पाई तेरह, ठीक है। अब ये हो गया माइनस कॉस थीटा हो गया, ये भी माइनस कॉस थीटा हो गया, तो माइनस माइनस थे तो प्लस हो गया, यहाँ से एक ठो माइनस आ गया, फिर माइनस जैसे का वैसे ही रह गया। अब कॉस का तुमको पता है कॉस का नेगेटिव दोनों ही खा जाता है, तो यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जो था जो ऐसे था ऐसे ही रह गया, ये तो जैसे ये जैसे हो सकती दोनों सेम कट गया जीरो हो गया, ओके। चलते चार नंबर, चार नंबर फोर साइन पंद्रह था, इसको टू इन टू ले लिया, टू एट अंदर ले लिया, इसको फॉर्मला में आ गया, बस सी प्लस डी फोर लिख दिए, लिखने में आ गया कॉस सिक्सटी वैल्यू पुटिंग कर दिया आ गया, उसी तरह अगर आर एच एस में जाएँ तो सेम उसी तरह क्या किया हम रूट टू लिए, रूट टू रूट टू था, रूट टू अंदर रखे हैं, इसका क्या कॉस कॉस का जो फॉर्मूला था कॉस सी के करके डाल दिए, डालने के कारण कॉस जैसे था कॉस साइन पंद्रह चेंज साइन नाइन्टी माइनस पंद्रह लिखे तो कॉस में आ गया। अब यहाँ पे क्या था कॉस सी पर टू इंटू कर दिए, टू टू करके ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला पुटिंग कर दिए, फॉर्मूला पुटिंग करने के बाद ये वाला आ गया। अब जैसे ही वाला फॉर्मूला में आया तो कॉस सिक्सटी वाला टू रूट टू बाई था कॉस सिक्सटी वन बाई टू पुटिंग कर आ गया वन हो गया, ओके। अब चलते हम लोग चार का एक में साइन एट्टी कॉस ट्वेंटी साइन फोर्टी फाइव कॉस पचपन इतना करके इसको प्रूफ करना है, ओके।
तो ये क्वेश्चन करना क्या, पहले 1/2 करके टू इसमें दे दिया। अब इसका सबका फॉर्मूला सबका जैसे जैसे ऑलरेडी था जैसे जैसे हम पुटिंग कर दिए, पुटिंग करने के बाद ये फॉर्मूला यहाँ तक आया है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद इनके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें देखो जैसे थोड़ा सा लिख दिया गया, लिखने के साइन 100 कट गया, जो जो कटना था काट दिए, जो बचा इतना बचा। अब बचने के बाद क्या हो गया, 960 का वैल्यू जो है पुटिंग जैसे था, इसको 270 प्लस 30 हो गया, दोनों का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। दोनों वाले पता चलने के बाद लिख दिया, लिखने के बाद कट गया, जीरो हो गया, ओके। फिर 4/2 का क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, इसको भी जीरो प्रूफ करना, सब एक ही टाइप का है। पहले तो जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन को लिखे, क्वेश्चन लिखने के बाद लोग यहाँ पे चला रहे हैं, गलती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो 1/2 करके 1/2 के 2 कर दिया सब में, कहना इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला तीनों का फॉर्मूला डाल दिया गया। डालने के बाद जो जो था अपना आ गया, आने के बाद जो कटना था काट दिया, काटने के बाद साइन 52 जैसे था कॉस 56 लिखे, 142 को 90 + 52 लिखे, सेट कर दिया और क्या 56 लिख दिया। अब चेंज होकर इस तरह का आ गया, आने के बाद साइन 56 कट गया, 52 कट गया, जीरो आ गया, ठीक है, सब कट गया। कटने के बाद लास्ट में क्या, जीरो आ गया, ओके। 4/3 तो क्वेश्चन था, ठीक, क्वेश्चन क्या करना कुछ नहीं, पहले इसको हम 6 से सेटिंग कर दिए, 3 × 90 करके, ठीक है, एसोसिएट एंगल के साथ तोड़ के लिख दिए जो जो आया था। अब बचने को जो जो आया बच्चा पहले लिख दिए, लिखने के बाद जो आया देखो अपने आप कट के जीरो हो गया, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है, डायरेक्ट ही हो गया। चलते 4 नंबर में उसे 1/2 करके 2 अंदर घुसा दिया, इसका फॉर्मूला इसका सबका डाल दिया। डालने के बाद जो जो आया कट गया, कटने के बाद जो बचा 100 को 90 + 1 चेक कर दिया, 70 + 30 करके लिख दिए, तो अपने आप चेंज करके वाला आ गया, माइनस कॉस्टेटा माइनस होकर 10 कट गया, कॉस्टेटी कट गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा जीरो होने के जीरो हो गया, ओके। 5 नंबर सेम है उस तरह, cos 24 को उतना तो दिया हुआ। अब क्या करें हम, इसको जैसे था वैसे करके 2 इसका फॉर्मूला इसका साथ इसका लिख दिए, इसका साथ इसका लिख दिए, cos 300 को एज यूजुअल रख दिए, रखने के बाद जो आया सो लिख दिए। अब यहाँ पे तो क्या हो गया, cos 90 का जीरो होता है, जीरो हो गया, इसका वैल्यू जीरो होता है, जीरो इसी जीरो हो गया, ये बच गया इतना 300 को लिख दिया, 70 + 10 = 30 का वैल्यू बस बैठा दिए, 10 वैल्यू बैठाने का क्या 1/2 हो गया, जीरो हो गया, ओके।